के पास भी है जमीन कुछ, बट अगर गवर्नमेंट दे दे भारत की हमें, या हमें कोई मुस्लिम आके डोनेट कर दे, तो भी देखिए ना कितना अच्छा मैसेज जाएगा, कितना अच्छा मैसेज जाएगा ऑफ यूनिटी, एंड कि उन्होंने माना मेरे गुरु का। हमने एक दो लैंड मैंने शॉर्टलिस्ट की है, देखी है, अभी कश्मीर थी मैं, इसीलिए मैं सब सिखों को वहां मिली, मटन जाके, बारामुल्ला, श्रीनगर, सबको मिली, सब प्रेसिडेंट्स को मिली, सबका मैंने सुना, उनके कुछ शिकायत भी है वो भी सुनी, और मैं जाऊंगी दिल्ली लेके, मैं जाऊंगी दिल्ली लेके उनकी जो मांगे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत कर रही है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लिए, इतना फंड दे रही है, इतने सारे हिंदुस्तान मतलब जो कमा रहा है टैक्सेस, उसमें इतना जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट में काफी दे रहा है इस बारे में। आपने राज्यपाल से सिर्फ बात की है कि जो इनको गुरुद्वारे के लिए, मैं जिस सिख डेलीगेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर के घर गई थी, 500 हमको बुलाया था उन्होंने, और वहां मैंने उनका धन्यवाद किया था, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छोटे साहबजादों के नाम पे भारत का बाल दिवस कर दिया, इसके लिए सिख कम्युनिटी उनकी आभारी है। उन्होंने शीशगंज लाल किला पे गुरु साहब का स्टैम्प रिलीज किया, कॉइन रिलीज किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और मोदी साहब ने नोट किया था कि मेरा एक सपना है कि हमें अपना कर्ज उतारने दीजिए, हमें गुरु तेग बहादुर साहिब का गुरुद्वारा कश्मीर में बनाने में पूरा सपोर्ट कीजिए, और उन्होंने नोट किया था। और मैं आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में ये कह सकती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि उनसे अच्छा लीडर इस देश को नहीं मिल सकता। जम्मू में भी गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा बनाने में जरूर जरूर, जहाँ भी गुरु तेग बहादुर साहिब का गुरुद्वारा बनाने मैं यात्रा लेके गई थी, आपको पता है 2019 में 12 जनवरी को दो बसें लग्जरी जम्मू से चली थी, और रास्ते में ज्वाइन करते गए थे, 12 बसें फाइनली हो गई थी, शीशगंज में पहुंचे थे, और सुबह हम शीशगंज में अरदास करके हम निकले थे भोरा साहब, आनंदपुर साहब, और वहां जाकर जो हमारे कश्मीरी पंडित बॉय मैक्सिमम थे उसमें, उन्होंने जब जाके वहां अरदास की कि गुरु साहब हम आज भी मतलब वेल सेटल नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए, आइए, तो उसके बाद ही आप देखेंगे कि अगस्त में आई थिंक आर्टिकल 370 निकला। तो को करने वाला तो ऊपर वाला है ना, इंसान क्या कर लेगा, हमें तो अपना ही नहीं भरोसा कि हम कितने दिन जिएंगे, तो वो जो सबका जानता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, वो वाहे गुरु सच्चे पातशाह खुद बनवाएंगे अपना गुरुद्वारा, हम कौन होते हैं, ठीक है ना, खुद बनवाएंगे। कि मैं जो भी अपने इससे कर सकूं अपने जम्मू कश्मीर के लिए मैं करना चाहूंगी, और आज का इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है मेरे ख्याल ये रखने की, मैं गुरु साहब का ये मतलब मेरी जिंदगी मैंने गुरु साहब को डेडिकेट की है उनके प्रचार करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, मेरी फीलिंग्स है कि कश्मीर पे कर्ज है मेरे गुरु का जो उतारा नहीं, उनके उनका प्रचार किया नहीं, वैसे जिसने हमारे लिए सरपंच वहां, तो मैं उनके प्रचार करती हूँ, चाहे मैं पंजाब हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मुंबई हूँ, मेरे को लोग इसी के लिए कहते हैं कि आप करती हैं, बट मैं सोचती हूँ कि किसी तरह से मेरा जम्मू कश्मीर ब्लेस्ड हो जाए, किसी तरह से मेरे जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की हो, इतना विकास हो, इनके हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में जाए और अपना नाम, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे, अपना देश भारत का नाम रोशन करे, तो ये मेरी इच्छा है। तो हम लोग गुरु साहब का ये जो मना रहे हैं, इससे ही आप देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा, गुरु साहब का 350 साल जम्मू कश्मीर से ही शुरू होगा मनाना, फिर ये एंड दिल्ली होगा, तो शीशगंज, तो हम शुरुआत करेंगे कश्मीर से, कश्मीर में गुरु साहब की लाइफ पे लाइट एंड साउंड शो होगा, और हो सके तो, पर वाहेगुरु ने चाहा तो उस दिन हम नींव पत्थर भी रखेंगे गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारे का, और उसके बाद जो है हम जम्मू में करेंगे लाइट एंड साउंड प्ले उनकी लाइफ पे, और ऐसे ही हम पूरे पंजाब में कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश हर जगह कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं चार्जशीट, क्योंकि मैं मुंबई में पैदा हुई हूँ, वो मेरे फादर की ये जम्मू जन्मभूमि है,
और मैं मेरे जन्मभूमि महाराष्ट्र है क्योंकि एक्टरों की बेटी हूँ, भाई भी मेरे एक्टर्स हैं, तेज सप्रू, किरण कुमार, मेरा नेफ्यू करण नाथ, हम सब मतलब फिल्म लाइन से जुड़े हैं, इसके मुंबई में रहे हैं। और पंजाब का मैंने नमक खाया है, पंजाब ने मुझे रोजी रोटी दी है, मान सम्मान दिया है, इसलिए पंजाब के लिए भी मेरी जान हाजिर है। तो मैं पंजाब में भी अब बस ज़्यादा जा रही हूँ और मैं जम्मू कश्मीर भी, थैंक्स टू निधि डोगरा के, जो भी मेरे तरफ से अनुपमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यहाँ पूरा अपना टाइम डिवोट कर रही हैं डोगरा संस्था को, नई डोगरा संस्था को, तो इनके साथ भी जुड़ के जो भी यहाँ के लिए करना होगा मैं ज़रूर, अनुपमा जी आप सबको वादा करती हूँ कि जब भी मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊँगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं मज चुके हैं बॉलीवुड अदाकारा प्रीति सपरू। प्रीति सपरू लगातार जम्मू से जुड़े हुए हैं, आज भी उन्हें प्रेस की क्या कार्यता प्रेस कर रहे हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार मैम, मैम लगातार आप 20-25 साल जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से, लगातार आप आते थे हर साल, इस पर क्या कारण आपका निकल? इस वक्त तो 350 ईयर्स जो आ रहा है गुरु साहब का, 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, हाँ जी, शहीदी दिवस, तो मुझे कश्मीर से शुरू करना है उनकी सेलिब्रेशंस शहीदी दिवस की। और मैं 25 नवंबर को मैं सोच रही हूँ जो पहला सेलिब्रेशन प्रोग्राम कश्मीर से होना चाहिए, वो दिल्ली और सब जगह होगा, पूरे पंजाब में होगा, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, हर जगह होगा। गुरु साहब का इतिहास एक एक इंसान को पता होना चाहिए, हिंदुस्तान को बचाने में उनका कितना बड़ा हाथ था, ये भारत जो है आज मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सब जो सेफ हैं। गुरु साहब अत्याचार के खिलाफ लड़े थे, एक हुकूमत के खिलाफ लड़े थे जब अत्याचार इंसानियत पे हो रहा था, हमारे गुरु का बस यही था, सेवा करो और अत्याचार किसी इंसान पे नहीं होने दो, कोई भी हो चाहे कोई भी धर्म। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप जम्मू कश्मीर को 25 नवंबर? मैं यही कहूंगी कि उनकी शहादत को याद करते हुए यहाँ की हमारी जो आवाम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब मिल जाए एक बार, क्योंकि एक ही नस्ल से बने हैं सब, रूट्स अगर आप देखें तो एक ही नस्ल से सारे हुए हैं, सिख भी हमारे, मुसलमान भी, सब तो हम हैं एक ही, हमारा कल्चर एक है, खाना पीना, रहना सहना, बोली एक है, तो हम एक ही तरह क्यों नहीं सोच सकते, हम एक ही तरह क्यों नहीं चल सकते, ठीक है। कश्मीर में काफी शांति का माहौल है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को भी? मैं चाहूंगी, मैंने बच्चों का उत्साह देखा ये टूर्नामेंट में, मैं चीफ गेस्ट थी श्रीनगर में, बड़े खुश हुए जब मैंने उनको कहा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बनेगा, फिल्म ट्रेनिंग सेंटर ये बनेगा, आपको उभारेंगे हम, वर्ल्ड के लिए तैयार करेंगे यहाँ के बच्चों को, तो वो बड़ी बच्चों को बड़ा मुझे लगा कि बहुत खुश थे। और इस तरह के यहाँ कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि अमन शांति है, लोगों तक ये मैसेज जाए। और मैं आपको अभी एक लेडी को मिलाना चाहूंगी, नम्रता, मैं आप सबको एक मिनट, मैं सारों को एक इनसे मिलाना चाहती हूँ, नम्रता आइए आगे, ये नम्रता हुक्कू है, ये जम्मू में इनके होम एक चलाती है फॉर स्ट्रेट, आइए इधर आइए, इनको जरूर आप कवर कीजिए क्योंकि आई थिंक शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये यहाँ एक शेल्टर चलाती हैं और इनके पास 500 एनिमल्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स, जिनको ये पालती है, उनका इलाज, उनका खाना पीना, ये सब उनको प्रोवाइड करती है, बच्चों की तरह अपने स्ट्रे एनिमल्स को देखती है। तो मैं नम्रता हुक्कू को, आइए आप भी अनुपमा जी, मैं मेरी तरफ से इन्हें आज 21,000 चेक दे रही हूँ और इन, मैं चाहती हूँ कि जम्मू के लोग इनकी मदद करें क्योंकि एक नेक काम कर रही है, ये एक नेक काम कर रही है नम्रता हुक्कू, और इनको हम लोग ये थे प्रीति सपरू जी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जो शहीदी दिवस है 350 साल वो मना रही हैं और ये शुरुआत कश्मीर से करेंगी और कश्मीर से होते हुए ये पंजाब होते हुए दिल्ली समाप्ति होगा। उनका लोगों का यही, उन्होंने लोगों को अपील करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गुरु तेग बहादुर जो शहीदी दिवस है उसको आगे आकर मनाएं। आप देख रहे हैं कैमरा मैन विकास बक्सर, सब्जी जम्मू।